ये हमारे सामने टारगेट है, हमारा टारगेट है कि डोमेन को डिटरमाइन करना। जो टारगेट क्या है, हाउ टू डिटरमाइन डोमेन, ठीक है, एकदम सिंपल वे में, सिंपल सा कंसेप्ट। पहले हमने क्या बताया था, सबसे पहले फोकस किस पे करना है, जो भी इसके अंदर है। पहले ये बताओ, ये पूरा भूल जाओ, पहले फर्स्ट वन इसको पूरा भूल जाओ। पहले पूछोगे कि जो भी अंडर रूट के अंदर है उसकी क्या खास बात होनी चाहिए। उसकी खास बात ये होनी चाहिए कि वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉग जो भी अंदर लिखा है, वन ये बेस है, लॉग यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये जो है ये ऐसे बॉक्स जो बना है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है, लाइक दिस वन। और यहाँ पे बेस कितना है, 4। ये क्या होना चाहिए, जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हमने पूछा कि जो भी इसके अंदर फंक्शन है, इसको पूरा एक फंक्शन कंसिडर करो जी एक्स, उसकी क्या खास बात है कि वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो आँख बंद करके ये चीज़ कर दिया। फिर नेक्स्ट टारगेट, अब लॉग से पूछोगे, ये जो लॉग है उससे पूछोगे कि भाई आपके अंदर जो फंक्शन है उसकी क्या खास बात होनी चाहिए। पहले बेस देखो, बेस के बारे में क्या है कि ये ए की वैल्यू क्या नहीं है, जैसे हमने बताया था लॉग ए एट बेस बी, तो बी की क्या खास बात नहीं होनी कि इज नॉट इक्वल टू वन और बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और ए की बात क्या खास बात होनी चाहिए कि ये होना चाहिए। ये तो लॉग की कंडीशन है, बहुत बार हमने बता रखा है कि जैसे ही लॉग आए तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। ये बी की वैल्यू देखो, बेस जो है बी क्या वन है, नहीं कोई नहीं, वन से तो बड़ा ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ए की क्या खास बात होनी चाहिए। मतलब इस लॉग से आपने पूछा है इसके अंदर क्या लिखा है, हमको उससे मतलब नहीं है। ये बोलेगा कि ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो मतलब लॉग होल स्क्वायर माइनस 5 बेस 4, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या है, अब इसको भूल जाओ। अब इसके अंदर जो है यहाँ पे क्या, लॉग समथिंग एट बेस 4। अब 4 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर वाले की खास बात चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मतलब -5 और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। बस एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि पहला फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट स्टेप हमने क्या बताया था कि सबसे पूछो जा जाके, ठीक है। ये चलो आपने इतना तो कर दिया, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अब इन सबको टैटल करना है। अब ये नहीं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमने क्या बताया था, अगर जैसे मान लो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर से पूछोगे तो वो क्या बोलेगा, वो तो सबके लिए है, डोमेन इसका क्या होता है, आर होता है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन क्या होता है, आर होता है ना, इसके लिए तो इससे पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अदरवाइज उससे ही पूछते भाई तुमको कहाँ प्रॉब्लम है। चलिए अब आते हैं इन पे। अब यहाँ पे देखो, ये ऐसे बना दिए बॉक्स समझने के लिए। ये बताइए यहाँ पे क्या, 1/3 बेस क्या है, 1/3 है। हमने क्या बताया था, जब बेस 1 से कम हो तो इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब जब ये इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब ये जब आप इसको इस साइड भेजोगे तो इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, क्यों, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये -5, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1/3 के होल पावर 0, तो क्या मिलेगा, ये 1 हो गया। तो फिर से जब ये 1 हो गया और यहाँ पे फिर बेस क्या है, 4, तो 4 जब इसके ऊपर तो 4 के पावर 1 हो गया, ठीक है। अब ये इधर भेज दो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो गया, 4 जब इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब इसको इसको इस साइड लेते आओ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर लेस देन 0 लिख सकते हो। फिर इसको अगर करोगे तो क्या मिलेगा, -3 और दूसरे में +3 लेस देन 0, ठीक है। आंख बंद कर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे कहोगे मेथड ऑफ इंटरवल से कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक जगह -3 और एक जगह, अगर हम सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें, लाइक दिस वन, इधर
प्लस माइनस प्लस फंक्शन क्या है, लेस देन जीरो तो कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला, मतलब -3 से +3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके किसके बीच में होगा, -3 से +3 के बीच में, नहीं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आया हमको -3 से +3 के बीच में। अगर आपसे पूछे कि व्हाट अबाउट, यहाँ क्लियर है ना, सब सही है, हाँ चलो इक्वलिटी साइन में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ -3 से +3 के बीच में, लेकिन हमको चाहिए एक्स ना, यहाँ से हमको क्या देखना है, एक्स देखना है हमको। देखो लास्ट में क्या करना है, हमको एक्स की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिस पे ये तीनों राजी हो जाए, ये भी राजी हो जाए, ये भी राजी हो और ये भी, तो हमको क्या देखना है लास्ट में, तीनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इनका इंटरसेक्शन और फिर इनका भी इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन देखना है। तो ये बताइए, अगर आपने ये लिख दिया तो अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट अबाउट एक्स, एक्स क्या होगा, एक्स के बारे में देखो, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, -3 से 3 के बीच में, -3 तो लेगा ही, -2 भी, -1 भी, 0 भी, 1 भी, 2 भी और 3 भी, नहीं यहाँ तो कोई डाउट नहीं। लेकिन व्हाट अबाउट एक्स, एक्स क्या होगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, देखो अगर इसको बनाना चाहोगे तो 3 के लिए क्या बात करोगे, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 3 है तो इसका मतलब वो कहाँ से कहाँ तक दौड़ लगाएगा, क्या बताया था कि अगर कहीं पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 लिखा है तो इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 3 से 4 के बीच में, और यहाँ पे ओपन इंटरवल, यहाँ पे 3, ये तो 3, ये 4। अब अगर 2 लिखा हो, 2 लिखा हो तो इसका मतलब उसके लिए क्या होगा, 2 से 3 के बीच में, तो यहाँ पे 2 लिखा, अगर 2 लिखा है तो, अगर 2 के लिए 2 से 3 के बीच में, नहीं इसी तरीके से ऐसे चलते चले जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, जब -3 लिखा हो, -3 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा, -3 से 4, -3 से -2 के बीच में, ठीक है, तो जहाँ लास्ट में आएगा -3 -3 तो -2 तो इधर ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 से यहाँ पे डॉट बनेगा 3 से 4 के बीच में, -3 से 4 के बीच में, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -3 पे क्लोज और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट इसके लिए, तो बस बना लो इसको, ठीक है क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर ऐसा लिखा है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, फाइनली x की वैल्यू हो जाएगी -3 से 4, ठीक है, ठीक है -3 से 4 और यहाँ पे 4 पे क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे इस वाले पोर्शन में, इसको पकड़ के रखो बस, ठीक है, तो ये कैसे बताया लगाया, ऐसे करके देख सकते हो, कभी भी हो, हमने बताया था रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, फंडामेंटल बस एक फार्मूला आपको रटना है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, वो कौन सा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू एन, एन का मतलब इंटीजर है और ये इस मेथड को फॉलो करता है, बस ये पकड़ के रखो, बाकी सब हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसको करते हैं, तो ये क्या है, -5 ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा 4 के पावर 0, तो ये मिलेगा, ये 1 हो गया तो ये हो जाएगा 6, तो अगर आप इसको बनाना चाहोगे तो डिक्टो वही आ रहा है, √6 का होल स्क्वायर, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे बनेगा रूट ये 6 एक में और दूसरे में ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस √6 और ग्रेटर देन 0, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे। अब ग्रेटेस्ट यहाँ तक ठीक है, अगर बनाना चाहोगे जैसे हमने इसको ड्रॉ किया था वैसे इसको ड्रॉ कर दो, कभी भी दिक्कत हो एकदम कुछ भी ना सोचा, एकदम बेसिक से चलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0 रूट्स -1 होगा, -√6 और ये +√6, ये याद रखना, ये यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर की बात हो रही है ना कि एक्स के, ठीक है, अभी हम एक्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है तो 0, यहाँ पे भी 0, जबकि यहाँ पे क्या क्या था, डॉट, यहाँ पे डॉट क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन एंड इक्वल टू है, इक्वल टू लगाता है तो डॉट लग जाता है, ठीक है। चलिए तो अब क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, ये क्या है, इक्वलिटी किधर है, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब
कौन सा, दिस वन और दिस वन हमको पकड़ना है। तो यहाँ से अगर बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा एक बनेगा, या तो इस रेंज में होगा या तो इस रेंज में। अब यह कहेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस रूट सिक्स से छोटा होगा आर ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन सिक्स होगा, दो ही केस बन सकते हैं। अब सॉरी, प्लस ग्रेटर देन सिक्स हो सकता है, अंडर रूट सिक्स हो सकता है, दो ही केस बन सकते हैं। अब इन दो केस से हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो हम इसको मिटाते, इसको बना लो पहले, क्योंकि और इसकी वैल्यू एक जगह लिख लो। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख लिया है, तो पहले वाले करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लिख लेते हैं कि माइनस थ्री से फोर के बीच में। अब हम वहाँ फोकस कर, ये मिटाते हैं, आप लोग लिख लो इसको, जगह नहीं है ना इस वजह से। तो चलिए, हमको दो चीज़ देखो, आप क्या कहोगे, इंटरसेक्शन यहाँ से क्या बना, यूनियन या तो इस साइड होगा या तो इस साइड होगा। ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू माइनस सिक्स से कम होगी, या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू प्लस रूट सिक्स से ज़्यादा होगी, दो ही केस बन रहे हैं। अब इन दोनों के हेल्प से हमको क्या निकालना है, एक्स कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। चलिए, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले पकड़ते हैं, लेस देन माइनस सिक्स वाले को। अच्छा, इसकी वैल्यू क्लोजर टू किसके होती है, ये जो वैल्यू होती है ये होती है 2.449। ठीक है, क्लोजर, तो आप बेटर टू राइट कि आप यही लिखो, ज़्यादा सही है 2.449। इतना तो फिक्स है कि ये इसका मतलब क्या है। हमारा टारगेट क्या है, एक्स पे फोकस करना, किस पे फोकस करना कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। अगर कहीं पे भी अगर हमने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर लाइक दिस वन के करस्पॉन्डिंग है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है 2.4.99 है, तो इसके बाद ये वैल्यू कौन सी एक्सेप्ट करेगा। जैसे अगर सिर्फ कुछ भी नहीं सुना, गो टू द बेसिक 4.9 सॉरी, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, जो होगी x की वैल्यू की बात करेंगे तो ये माइनस टू से नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये माइनस टू से माइनस थ्री के बीच में होगा, नहीं ये जो वैल्यू होगी वो किसके किसके बीच में होगी, माइनस टू से माइनस थ्री के बीच में होगी, नहीं अगर यहाँ पे टू माइनस 2.449 है तो आप क्या कहोगे कि व्हाट अबाउट एक्स, एक्स की वैल्यू माइनस थ्री से माइनस टू के बीच में होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने क्या बताया था, ये वैल्यू जो एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो भी यहाँ पे लिखा है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब ये वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, माइनस थ्री के बराबर होगी। ठीक है, माइनस थ्री के बराबर होगी। इसके करस्पॉन्डिंग बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब आप बात करेंगे तो उससे कम ही होना चाहिए, नहीं इससे क्या होना चाहिए, ये जो वैल्यू है उस, ये वैल्यू इससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की है। तो कौन कौन सी होगी, माइनस थ्री, माइनस थ्री के बाद कौन आएगा, माइनस फोर, फिर माइनस फोर से फिर माइनस फाइव, फिर माइनस टू, नहीं माइनस सिक्स, ऐसे चलती चली जाएगी, फिर माइनस सेवन, नहीं माइनस थ्री आएगा, माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे कम ही होना चाहिए ना, तो ये लाइक दिस वन करस्पॉन्ड ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, नहीं माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, माइनस एट, नाइन, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए, अगर आप बात कर रहे हैं माइनस थ्री के लिए, तो माइनस थ्री के लिए कहाँ से कहाँ तक दौड़ लगा रहा है एक्स की वैल्यू, माइनस थ्री से जो माइनस थ्री को बनाएंगे तो जहाँ ये शुरू करते हैं टू पे ओपन, थ्री माइनस थ्री ऐसे लिखोगे, तो जब माइनस थ्री है, ठीक है, जब ये वैल्यू माइनस थ्री है तो उसके लिए दौड़ कहाँ से लगाएगा, माइनस थ्री से माइनस टू, फिर जब ये माइनस फोर हुआ तो माइनस फोर के लिए कहाँ से कहाँ तक दौड़ लगाएगा, माइनस फोर से, माइनस फोर के लिए माइनस फोर से माइनस थ्री के बीच में, तो ये यहाँ से दौड़ लगाएगा। इस तरीके से ये ऐसे चलता चला जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू की बात करेंगे तो वो क्या होगा, लेस देन माइनस टू, एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन माइनस टू, या अनदर वर्ड एक्स कहोगे कि माइनस इन्फिनिटिव से माइनस टू के बीच में। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटिव से माइनस टू के बीच में होगी, एकदम क्लियर है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा,
कि अगर हम ये करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, बनाओ जल्दी से इसको। बड़ी समस्या, लिखा कहाँ जाए। नहीं, इसको हटाते हैं, जल्दी इसको छाप लो, इसको पॉज करके इसको छाप लो, या स्क्रीनशॉट ले लो इसको इसका। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मिटा देते हैं। हमारा टारगेट क्या होगा, एक्स की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर किससे देखना है, ज़्यादा √6 से ज़्यादा। इसका मतलब 2.449 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अब बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 2.449 से क्या हो, ज़्यादा होना चाहिए, तो कौन कौन सी वैल्यू होगी। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे क्या ग्रेटेस्ट, तो कौन सी आएगी, एक तो आएगा 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे चलते चले जाओगे। तो व्हाट अबाउट एक्स, अगर आप बात करें 3 के लिए, तो 3 के लिए कहाँ से कहाँ तक दौड़ लगाओगे, 3 से 4 के बीच में। नहीं, अगर आप 3 की बात करेंगे तो 3, जैसे ही 3 लिखा तो 3 का मतलब ये हुआ कि कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे अगर 3 लिखा तो 3 के लिए दौड़ कहाँ से लगाएंगे, 3 से 4 के बीच में। अगर 4 लिखा तो 4 से 5 के बीच में। नहीं, तो 3 से 4, ठीक है, 3 के लिए, जैसे 4 आया 4 से 5, ठीक है, फिर 5 से 5 के लिए, 5 से 6, ऐसे चलते चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो बनेगा कि x जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, इसके लिए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, या अनदर वर्ड आप कह सकते हो कि x जो होगा वो 3 से इन्फिनिटिव। ठीक है, 3 से इन्फिनिटिव। तो अब हमको क्या देखना है, देखो बीच में क्या लगा है, r, इस वाले की बात कर रही है, तो दोनों को मिला दो, इससे हमको x ये मिला और इससे x हमको ये मिला। तो इन दोनों की हेल्प से आपको क्या मिलेगा, माइनस, सॉरी कहाँ गया, माइनस इन्फिनिटिव से माइनस 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटिव। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो निकल गई, पहले वाले से हमको क्या मिला था, ये वाला, दूसरे वाले से ये मिला, तीसरे वाले को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, आप ऐसे देख लो, अगर सॉल्व करोगे तो सेम वही चीज़ मिल, मतलब हमको ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं हम। अगर ध्यान से देखो तो ये इसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, अगर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। ठीक है, आपकी इच्छा, आंसर इन्हीं दोनों से आ जाएगा, केवल इसकी हेल्प से इन दोनों का क्या लेगो भाई, इसका इंटरसेक्शन ले लो और कहाँ गया, इस इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो जो आंसर होगा वही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्यों हम क्यों इसको मना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको। देखो कैसे, अगर दिक्कत हो रही है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स क्या लिखोगे, -√5, क्योंकि कुछ लोग हैं, चलो √5 ग्रेटर देन 0, यही है, ग्रेटर देन 0 है ना जी। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा आपको फिर वही चीज़, ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो रूट लेस देन -√5 मिलेगा, सेम कंसेप्ट यहाँ पे आएगा, डिक्टो नहीं, तो एक ये सबसे लोएस्ट वाला देखो, और दूसरा मिलेगा आर ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 5, दो ही केस बनेंगे। अब यहाँ से चेक करोगे और एक बार यहाँ से चेक करोगे, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था, करके देख लो, यहाँ से क्या मिलेगा, -5। ये बताओ कि √5 जो होगा, √5 ये क्लोजर टू किसके होगा, इतना तो फिक्स है, 2 से ज़्यादा ही होगा, 2.5, 2.3 ले लो, नहीं मान लो कुछ इस टाइप का होगा, 2.1, 2.2, मतलब इतना तो फिक्स है, 2 और 3 के बीच में ही होगा, इतना तो फिक्स है, हमको क्लोजर वैल्यू लेनी है। ठीक है, अब ये बताइए सेम यही चीज़ है कि नहीं, ये माइनस, एक बार आप ये कहोगे कि सर ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, नहीं सॉरी -2.3 या 2.1 है, जो भी है, अगर क्लोजर है लोगे तो वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी, हमको नहीं पता, क्लोजर टू हमने बस ऐसे कंसीडर कर लिया कि लाइक दिस वन के करस्पॉन्डिंग, इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो आप इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू एक बार लोगे और एक बार आर यहाँ पे कहोगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 2.2, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 3, सेम वही चीज़ है कि नहीं,
सेम वही चीज़ है कि नहीं, देख लो सेम वही चीज़ है कि नहीं। नहीं ये वाली जो वैल्यू आएगी नहीं, अभी जो हमने सॉल्व किया था 2.2.4 के लिए क्या आएगा, यही चीज़ आएगी 3 4 5 6 7 सेम। और इसके लिए बात करोगे तो ये भी देखो एक्स की वैल्यू क्या होगी, सेम यही चीज़ आएगी, क्या आएगी, -2 से छोटी होनी चाहिए, नहीं -2 से छोटी होनी चाहिए। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा, यही आएगा, उसका भी रिजल्ट यही आएगा, नहीं तो ऑलरेडी इसमें है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे थे कि इस वाले को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ये अगर इससे बड़ा है, ठीक है, तो इससे बड़ा, जब ये जो वैल्यू इससे बड़ी है तो ये वैल्यू ऑलरेडी 0 से बड़ी होगी ही, ठीक है। खैर नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपना सॉल्व करके देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में सीखा जाता है, तो हमको हर तरीके से करना चाहिए, आना चाहिए ना, कि आपको नहीं समझ में आ रहा है सर कैसे बड़ी है, तो आप करके देख लो, आपने देख लिया कि वही चीज़ बन रही है, -∞ से -2, और वो एक्स इज़ ग्रेटर देन 3 आ रहा है, ये वाला तो हमने ये वाला पहले किया हुआ है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, ठीक है। तो अब फाइनल जो इंटरसेक्शन है इन दोनों से रिजल्ट क्या है, सेम है, और पहले वाले से रिजल्ट कितना मिला था हमको, ये मिला था, तो हमको क्या देखना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि एक्स की वैल्यू, अब दौड़ जाओ, तो सबसे अच्छा तरीका है कि दौड़ने का, ये सब मिटा दें, जल्दी से बनाओ, पहले हमको इस पे फोकस करना है, इनको पकड़ के रखो, चलो -3 -4 -3 और सॉरी 4, तो यहाँ पे गोला ये बोल रहा है कि हमको यहाँ से यहाँ तक को चाहिए, -3 से 4 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसके हिसाब से रिजल्ट। अब ये बोला है कि -2 से इन्फिनिटी, -2 कहाँ पे होगा, ये -3 हो गया, -2 यहाँ पे, -2 से इन्फिनिटी एक तो बन गया यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या बनेगा, गोला, क्यों, क्योंकि ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे ये बोला 3 से ज़्यादा होना चाहिए, 3 से ज़्यादा होना चाहिए मतलब यहाँ पे, ठीक है, ये 3 से ज़्यादा होना चाहिए, लाइक दिस वन, ठीक है, इसके लिए ये वाला कॉमन, इसके लिए ये वाला कॉमन, ठीक है। तो अब बताइए जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, 3 से -2, -3 से -2, यूनियन, ठीक है, यूनियन सॉरी यहाँ पे 3 से 4, तो ये हो जाएगा 3 से और 4 पे क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट बना लो इसको, बहुत सिंपल में, क्लियर हो गया कि नहीं, कि हमने क्या देखा, पहले स्टार्टिंग में सबसे पूछा, पहले पूछा कि ये जो फंक्शन है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फिर इसके बाद इस लॉग से पूछा कि ये क्या कर रहा है, ये भी इसके अंदर वाला जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो हमने वो नहीं, पहले हमने ये वाला किया, फिर इसके बाद ये वाला किया, फिर लास्ट में ये वाला किया, और उन सब से नॉर्मल तरीके से पहले सॉल्व करो, फिर इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग चीज़ों को सॉल्व करके फिर तीनों को हमने क्या ले लिया, इंटरसेक्शन, तो फाइनली इंटरसेक्शन ये मिलेगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया कि या तो इनके बीच में हो या तो इनके बीच में हो, नहीं अब यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करके देखो, ठीक है, हमने क्या देखा, देखो पहले वाले के इस वाले से आंसर कौन सा था, ये वाला, तो ये बना दिया था हमने, दूसरे वाले से ये है तब जाके ये मिलेगा हमको, ठीक है। तो अगर कभी डाउट हो तो कोई एक वैल्यू पुट करके यहाँ पे चेक कर लो कि सर सही है कि गलत है, ठीक है, बना लो उसको।